देश में पहले तो 2014 के पहले की तो स्थिति ही ये थी, दुनिया का डेटा की ही बात यहाँ हुआ करती थी। इंडिया में डेटा जनरेट करना, उसके लिए रोबस्ट सिस्टम करना, ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। ये मोदी गवर्नमेंट जब से है तब से उन्होंने तैयारी करी, व्यवस्था की, और डेटा जनरेशन की सिस्टम देश में ही हो, बाहर तो होता है लेकिन डेटा देश में क्रिएट होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, और ये डेटा विश्व में आज हमारे यहाँ से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डेटा है, दुनिया में उसकी सराहना की जाती है। ये डेटा 2017-18 में प्रारंभ हुआ। मैं ये इस माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, ऑथेंटिक डेटा, भारत सरकार की एजेंसी ने दिया हुआ डेटा। जब हमारे यहाँ से LAPR का सर्वे का प्रारंभ हुआ 2017-18 में, तब देश में कुल मिला के 38% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 38% था, जो बढ़ी आज 44% है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो 2017-18 में 31% था, आज बढ़ के 40% हुआ। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने ही कहा है 3% से नीचे होना चाहिए, आज क्वेश्चंस में मैं पढ़ रहा था, तो वो भी आज कम हो के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था। स्पीकर सर, ये मोदी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, कई टाइप की योजनाएं चलाई गई, लोगों को रोजगारी का अवसर मिला, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 3.2% है और भविष्य में 3% से कम जाएगा।